दोस्तों 2016 का वो दिन भी आपको बखूबी याद होगा जब भारत सरकार द्वारा 500 और 1000 के नोट बंद करवाए गए थे। लेकिन इन 500 और 1000 के नोटों को बंद करने का मकसद यही था कि भारत में हो रहे जाली नोटों के रैकेट को पकड़ा जाए, और उस दौरान करोड़ों के जाली नोट बनाने वाले रैकेट का पर्दाफाश हुआ था। ऐसे में आज हम आपको नकली नोट बनाने वाले कुछ लोगों से मिलवाएंगे जो अपने हाथों से ऐसी ऐसी कारीगरी करते हैं जिसे देखकर आप कहेंगे ये तो कमाल का जादू है। लेकिन जब ये पुलिस के हत्थे चढ़ते हैं तो अच्छे अच्छों की हवा टाइट हो जाती है, क्योंकि ये तो भारत सरकार से ही धोखाधड़ी कर रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को। सबसे पहले बात करते हैं आखिर असली नोट कैसे कहाँ पर थे। दरअसल साल 1938 में RBI ने ये फैसला किया कि भारत के लिए कुछ नोट छापे। इसके बाद RBI ने मार्केट में कई नोट जारी किए। ऐसे ही शुरुआत हुई नोटों की, जहां बरसों तक नोट बदलते गए और आज भी आए इसका कार्यभार संभाले हुए है। ऐसे में समय समय पर नोटों की बदली होती रहती थी, और साल 2016 में इन्हीं नकली नोटों के चलते मोदी सरकार ने 500 और 1000 के नोटों को ही बंद करवा दिया। इन नोटों के बदले 500 और 1000 के नए नोटों ने एंट्री ली, जिसमें कई ऐसे फीचर ऐड किए गए जो पहले के नोटों के मुताबिक काफी अलग थे। जिसमें पहले तो नोट की साइज छोटी है और आजू बाजू कई ऐसे सिक्योरिटी सिस्टम है जिससे आप 500 और 1000 के नोटों को पहचानने में कोई गलती नहीं कर सकते। लेकिन आपको बता दे, आज तक के करीब 2000 नोटों में 52% नोट जाली हैं। वहीं आपको बता दे, RBI की 4 ब्रांचेज है जहां नोटों की छपाई की जाती है। अब लोगों के बारे में क्या ही कहा जाए, लोगों को जाली नोट बनाने का इतना शौक है कि वो किसी भी तरीके से जाली नोट बनाकर जेल की हवा खाकर ही आ जाते हैं। नकली नोट बनाने के लिए पहले तो ये नोटों की एक डुप्लीकेट कॉपी छापते हैं, जिसके बाद फोटोग्राफी के जरिए ये अंधेरे कमरे में उस नोट में कलर डालते हैं। फोटोग्राफी प्रोसेस के बाद आता है लिथोग्राफी प्रोसेस, जिस प्रोसेस में पहले से जो नोट ये लोग बनाते हैं उसी नोट को दूसरे पेपर पर छाप लेते हैं। ऐसे में रियल नोट के मुताबिक ये नकली नोट कई ऐसी चीजें उसकी जैसी नहीं कर पाता जो कि ओरिजिनल नोट में होता है। ये लोग उन नोटों पर लाइनिंग बनाने के लिए ऑयल कलर का इस्तेमाल करते हैं, और इन सब प्रोसेस के बाद वो ओरिजिनल नोट की तरह अपने नकली नोट नहीं बना पाते, जिस वजह से आए दिन सरकार और पुलिस इन नकली नोटों को बनाने वाले रैकेट को जेल में डाल देती है। अब आपके मन में यही सवाल आ रहा होगा कि भला इतने सारे करोड़ों के नोट कहां छपते होंगे। तो आपको बता दें कि साल 2020 में मुंबई एयरपोर्ट पर पाकिस्तान से आए जाली नोटों को बरामद किया गया था, यानी कि पाकिस्तान में इन नोटों का रैकेट मिला है, जिससे लोग हेराफेरी करते हैं। हालांकि पाकिस्तान वाले इस बात को मानने से इनकार करते हैं, लेकिन कई बार ऐसे सबूत मिले हैं जिससे साबित होता है कि पाकिस्तान में इन नकली नोटों का रैकेट चलाया जाता है। तो दोस्तों, आप क्या कहना चाहेंगे इन नकली नोट बनाने वाले लोगों के बारे में? इनके लिए कोई नियम कानून लागू करना चाहिए जिससे डर से ये काम दोबारा ना करें? अपनी राय कमेंट बॉक्स में देना। ऐसे ही अमेजिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो।